हेलो हाय, मेरा नाम राम है। आज मैं गौर यमुना सिटी के बारे में बताऊंगा, इसका मास्टर प्लान बताने जा रहा हूं। और साथ में मैंने वीडियो भी बनाया है, आप वीडियो को भी देखें और बड़े आराम से चीज़ें समझ देख सकते हैं और समझ जाएंगे कहां पर क्या चीज़ है, किस तरीके से बनाई जा रही है। गौर यमुना सिटी में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है गौर वालों का, जो 250 एकड़ में बनना है। इनका मास्टर प्लान क्या है, इसके बारे में मैं पूरा दिखाऊंगा। आप वीडियो को, तब तक मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरे पीछे वीडियो एक और बना रखा है गौर यमुना सिटी का, तो आप पीछे वो भी देख सकते हैं। ये मेरा सेकंड वीडियो है गौर के बारे में। हाँ, यदि आप यहाँ पर फ्लैट्स प्लॉट्स लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, आपका है कोई प्लॉट्स या फ्लैट है आप बेचना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 870-971-1559। मेरा नाम राम है और मैं गौर की प्रॉपर्टी को सेल आउट करता हूँ, रीसेल में या फिर इसमें वैसे कंपनी से भी रीसेल करता हूँ, कंपनी से भी बेचता हूँ। ठीक है, तो जैसी अच्छी से अच्छी आपकी डील कराने की कोशिश करूँगा। ठीक, कंपनी से भी आप नई प्रॉपर्टी लेते हैं तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट के साथ आपको प्रॉपर्टी दिलाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको चीज़ें सही अच्छे से अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। ये ताजा हाईवे है, आप देख सकते हैं ताजा हाईवे जा रहा है सीधा आगरा मथुरा के लिए। जस्ट इसके बगल में ही आप दिल्ली से आएंगे तो लेफ्ट हैंड में गौर यमुना सिटी पड़ती है, बुद्ध यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, देन गौर यमुना सिटी। ठीक है, आप यहाँ से एंट्री करेंगे, ये यमुना द्वार है जो लेक के लिए सीधा जाता है। यहाँ से यमुना द्वार से आप लेक के लिए निकलेंगे, 3 गेट है सोसाइटी के। अभी हम आ गए हैं कैपिटल हिल्स गेट, ये 3रा गेट है। यमुना द्वार निकल गया है, सोसाइटी के 3 गेट हैं। ये इंटरनेशनल स्कूल है गौरव का ही। ये 3रा गेट आ गया संगम द्वार, यहाँ पर 135 फीट ऊंची अप्रॉक्स कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी है, आप देख सकते हैं मूर्ति। और जस्ट के बगल में ही श्री राधे कुंज प्लॉट्स, हैरो सिटी विलास और स्पोर्ट्स विलास यहाँ पर हैं, जैसे इसके बगल में भी दिखाऊंगा मैं। ये पड़े हुए हैं कि राधा कुंज, हैरो विलेज एंड स्पोर्ट विला, तीनों नंबर से हैं। और कई प्रोजेक्ट हैं, अलग कैटेगराइज कर रखा है जिसे सुविधा हो। काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा रोड है, काफ़ी विकास हो चुका है, काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है एरिया। ये 10 एकड़ में गौर का क्रिकेट स्टेडियम है, क्लब है और भी कई चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी अच्छा क्षेत्रफल है इसमें, काफ़ी चीज़ें हैं, क्लब वगैरह दे रखा है। ये 10 एकड़ का क्रिकेट स्टेडियम इसके अंदर दे रखा है, तो काफ़ी एरिया है इसमें। ये विला है 32 पार्क व्यू, ये विला का एरिया हो गया। काफ़ी ग्रीन बेल्ट है, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं, मगर मुझे ऐसा आज तक मैंने प्रोजेक्ट नहीं देखा जो गौर का है। काफ़ी स्पेस है, ये पूरा 250 एकड़ में लैंड है ये बना रहा है गौर। रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें, आपको लोन वगैरह की सुविधा जल्दी हो जाती है, 80% लोन हो जाएगा SBI से प्लॉट्स पे। ठीक है सर, देखिए आगे वीडियो को। हेलो सर, मैम, नीचे जो लाल बटन दिया गया है, प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी तरीके से वीडियो और बनाऊं जिससे आपकी हेल्प हो सके और अच्छे लोगों को फ्लैट प्रॉपर्टी और फ्लैट मिल सके। ठीक है सर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ ये सेकंड पार्क व्यू है।
इसमें आपको प्लॉट्स एंड दोहला बहुत मिल सकते हैं, दोनों मिल सकते हैं। लेक, ये लेक है, ये फर्स्ट पार्क व्यू है जो अभी प्लॉट्स रनिंग में कट रहे हैं, लॉन्च हुआ है ये भी, ये तस्कर कर लेते हैं। और ये गेट है, बगल से जाकर गेट है, जो कॉमर्शियल प्लॉट है। फ्यूचर डेवलपमेंट में जो लैंड पड़ी हुई है वो प्लॉट कॉमर्शियल प्लॉट के लिए लैंड पड़ी हुई है। इंडिपेंडेंट प्लॉट्स कॉमर्शियल को ले सकता है, उसमें अपने हिसाब से 8-9 मंजिल तक कॉमर्शियल दुकान वगैरह बना सकता है। इस तरीके से लैंड पड़ी हुई है, कॉमर्शियल लैंड, ठीक है सर। इसमें विला बन चुके हैं,